मामला दर्ज हुआ है। देश में जगह जगह हो रही मॉब लिंचिंग की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसी को लेकर गोगांव के मुस्लिम समुदाय ने नगर में मौन रैली निकालकर गोगांव तहसीलदार को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया है कि अभी हाल ही में झारखंड में एक मुस्लिम युवक पर चोरी का इल्जाम लगाकर कई घंटों तक बांधकर एक धर्म विशेष के लोगों के द्वारा प्रताड़ित किया गया, जिसके कारण एक युवक की मौत हो गई। इसी प्रकार देश के अनेकों स्थानों पर इस प्रकार की घटनाएं हो रही। इसी एक अनेक घटनाओं को वीडियो में सोशल मीडिया द्वारा वायरल किया गया। इसे रोकने और इस प्रकार के कृत्य करने वाले आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने को लेकर गोगांव के मुस्लिम समाज के द्वारा महामहिम के नाम गोगांव तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। गोगांव से इकबाल खान की रिपोर्ट। ये असल में जो इस देश के अंदर अभी पिछले कुछ दिनों से घटनाएं घटित हो रही है कि उन्मादी भीड़ के द्वारा और कुछ अराजक तत्वों के द्वारा, शरारती तत्वों के द्वारा भीड़ की शक्ल में कुछ अल्पसंख्यकों के युवकों के ऊपर हमले करना और उनकी हत्याएं कर देना और उनको उनके साथ मारपीट करना, इस तरह की घटनाएं जो हो रही है जिससे देश की एकता अखंडता को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इन बातों को लेकर मुस्लिम समुदाय के अंदर बहुत ज्यादा रोष व्याप्त है और इन्हीं सब बातों को लेकर 6 मस्जिदों के सदरों के साथ और उनकी क़यादत में हम लोग सब गोगांव के जितने भी निवासी हैं, अमन पसंद निवासी सब आए हैं और हमने तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया है और हमने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है महामहिम राष्ट्रपति महोदय से और माननीय प्रधानमंत्री महोदय से गुजारिश की है कि इन सब घटनाओं को देखते हुए जल्द से जल्द कोई सख्त से सख्त कानून बनाया जाए या फिर मुस्लिम एट्रोसिटी एक्ट बनाया जाए, जिसके तहत इस तरह की घटनाएं जो लोग कर रहे हैं या जो उन्मादी भीड़ या भीड़ की शक्ल में जो लोग देश के ताने बाने को बिखेरने में लगे हुए हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनके लिए कोई कड़ा कानून बनाया जाए। और हमारी यही मांगे है कि इस संबंध में जल्द से जल्द कोई कानून बनाकर सरकार कोई पुख्ता कदम उठाए।